मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह अचानक कांग्रेस विधायक को जिसमें मंत्री तरुण भन्नौट, सचिन वर्मा, हर्ष यादव, विधायक कांतिलाल भूरिया, कुणाल चौधरी के साथ बेंगलुरु पहुंचे और बंधक बनाए गए कांग्रेस के 16 विधायकों से मिलने जाने लगे तो वहां पुलिस ने तानाशाही करते हुए उनको बाहर रखा और जब दिग्विजय सिंह मिलने की बात पर धरने देने पहुंच गए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मैं एमपी से राज्यसभा प्रत्याशी हूं, मुझे अपने पार्टी के विधायकों से मिलना है। तभी वहां मौजूद पुलिस ने बिना पुख्ता आधार से न मिलने के लिए बात कही। श्री सिंह का आरोप था कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए को बंधक बनाकर बीजेपी के अरविंद भदौरिया और कुछ गुंडे अंदर हैं और ये सब बीजेपी के इशारे पर पुलिस कर रही है। वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, उनके फोन छीन लिए गए हैं, ठीक है, पुलिस वाले उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, कहते हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मेरे ऊपर पास न बम है, न हथियार है, न पिस्तौल है, न राइफल है, ठीक है, मुझे अकेले ले जाएं, उनसे मिलवा दें, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है, उसमें क्या आपत्ति है? सर बताइए आप क्यों नहीं भेज रहे उनको, आप प्लीज बताइए। आई एम नॉट आंसरिंग सर। सर याक कळसल्ल और दय हेळि प्लीज। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।